जिला मंत्री पद पर हो, आप पर लगातार प्रेशर भी आएंगे, क्या आप बरकरार रहोगे? माइक आ गया, बरकरार रहोगे सर? थोड़ा तो आपने पार्टी से बगावत क्यों की? पार्टी अभी तक उम्मत थी, पार्टी ने आपको आगे मौका दे दिया। मैंने पार्टी के साथ कोई बगावत नहीं की है, मैंने विधानसभा की तैयारी की एमएलए की, लेकिन टिकट नहीं मिला। जनता की भावना थी, 36 कौम की भावना थी, उसके अनुसार टिकट नहीं मिला, इसलिए जनता ने मुझे उतारा। टिकट पार्टी ऊपर से दिया है जोगेश्वर जी को, और 36 कौम का टिकट मुझे दिया गया। पार्टी प्रेशर कर रही है आपको बैठने के लिए? अभी भी आप पार्टी के सदस्य हो, जिला मंत्री के पद पर हो, और आपने बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भर दिया, तो पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगी? मैं पार्टी के मतलब बगावत मैंने नहीं की है, पार्टी के साथ में, और जो मुझे इस निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने किया है, 36 कौम ने मिलकर किया है, वही तो पार्टी के ही है ना। आपने टिकट को लेकर प्रयास किए थे, क्या वापस उस हाईकमान का आपके पास वापस फोन आया कि कोई आया? कोई वार्ता नहीं। क्या आप भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हो और कई दिग्गज नेता आपके टच में है जिसके बूते आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं, ऐसा सुनने में आया कि भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं वो आपके पीछे सपोर्ट में खड़े हैं, बाहर सपोर्ट में नहीं आ रहे लेकिन पीछे अंदर नहीं सपोर्ट में है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ। सब दिन लगा के सपोर्ट में, 36 कौम का साथ है मेरे। जीत की उम्मीद है आपको? बिल्कुल जीत की उम्मीद है, मेरे साथ 36 कौम है, अच्छे वोटों से जीतूंगी। किसी का दबाव नहीं है, 36 कौम का टिकट है और 37 कौम का साथ है ये। चलो कोई पार्टी